हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। सो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत सारा मैं सोई, बहुत सारा रात को लेट सोई, बहुत मज़ा आया। कुछ दिखाती हूँ। दिखाने से पहले ही वो उड़ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा मीन्स आज हर रोज़ से कंपेयर करें तो आज मैं बहुत ज़्यादा सोई, बहुत अच्छी नींद आई है। रात को बिग बॉस के 3 एपिसोड देखे, उसके बाद मैं सो गई और अभी लगभग 10 से 9 बजे मैं उठी हूँ। तो आज मैं आप लोग को पहले सुबह का बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी आज। मैं लगभग 10 बजे के करीबन, 9 बजे के करीबन उठी। तो दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जिसका मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, थक गई थी कि कब आएगा ये दिन, कब आएगा ये दिन। बताया था आप लोग को हमारे फ्रेशर्स पार्टी होने जा रहे हैं, तो आज है 26 नवंबर और आज हमारे फ्रेशर्स पार्टी है। तो हमें पार्टी के लिए थोड़े दोपहर के टाइम पे जाना है, इसलिए लेट उठी। अच्छे से नींद कंप्लीट हुई, मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट हुई। तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, ऑमलेट वगैरह नहीं, कुछ और खाने का मन कर रहा है, हलवा वगैरह एंड ऑल। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी शॉप पे जाऊँ, सूजी ले आऊँ। तो आप लोग भी चलो, पहले हम लोग सूजी वगैरह लाते हैं, और दिन में आज क्या क्या करते हैं, क्या क्या मैं पहन रही हूँ वो सब आपको बताऊँगी। और कौन कौन से हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे वहाँ पे, मीन्स बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उन सब में मैंने 3 चीज़ों में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से वो मैं आपको अभी रास्ते में बताती हूँ। और हाँ यार, रूम टूर का वीडियो मैं बनाऊँगी, जल्द ही बनाऊँगी। लेकिन फ्रेशर्स पार्टी के बाद, फ्रेशर्स पार्टी वाले वीडियो के बाद ही मैं रूम टूर वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी, बना के अपलोड करूंगी। यार अभी तक बनाया नहीं है, तो अभी के लिए प्लीज प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करो यार। कि इतना बड़ा हमारा अभी तो बहुत है, मीन्स क्या बोलते हैं उसे, शोल, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत लंबा है मेरा, मुझे नहीं आता इसको उर्दू या हिंदी में क्या कहते हैं, शोल कहते हैं हमारे भाषा में, मच्छी शोल पे छोड़ी गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, तो पता नहीं क्यों, इसीलिए हुडी पहन रखा है। तो मैं पता है 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एक है रैंप वॉक ऐसे चलूंगी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, हाँ, और मेरा एक सोलो डांस है, मैं करना नहीं चाहती थी। हमारे सर ने मेरे को थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा फोर्स है, करते करो 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 करो, दैट्स व्हाई। तो वन इज रैंप वॉक, सेकेंड वन इज और भी से बात है सोलो डांस, और थर्ड वन इज तो एक सोलो कर रही हूँ और एक भांगड़ा, ग्रुप भांगड़ा है, भांगड़ा करना है, रैंप वॉक करना है और सोलो डांस करना है। सो कुल टोटल हो गया, मैं 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इन सब के लास्ट में पॉइंट्स जोड़ने के बाद वो मिस फ्रेशर का अवार्ड भी देते हैं बच्चों को।
So I'm very excited and I wish I got that award. और एक चीज़ यार, दिल्ली में टूर्नामेंट चल रहे हैं, वहाँ पे मेरी दोस्त राबिया का ब्रॉन्ज निकला है. मैंने इस बार ये टूर्नामेंट नहीं खेला कर सम रीजंस, मूवी कैन से फाइनेंशियल रीजंस आई एम नॉट प्लेइंग. मैं कुछ टाइम तक कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं खेलूँगी क्योंकि नॉट माई फैमिलीज फाइनेंशियल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर पे, ये मेरा अपना है, मेरा खुद का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है. घर से मैं वैसे भी मीन्स कम ही मांगती हूँ पैसे, अगर मांगा तो बहुत ज़रूरी होता है तभी मांगती हूँ. अभी मेरा ही कुछ हाल सही नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्लेइंग मैचेस अभी हो रहे हैं. लेकिन अब इंटर यूनिवर्सिटी होंगे, स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट खेल के आए थे, स्टेट खेल के आए थे, उसके नेशनल्स होंगे तो वो मैं खेलूँगी. हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं तो वो मैचेस मैं खेलूँगी. लेकिन अभी क्या कहते हैं उसे, जो ये ओपन टूर्नामेंट्स जितने भी हो रहे हैं मैं वो नहीं खेल रही, या G1 वगैरह वो मैं नहीं खेलूँगी. यार बहुत ज़्यादा बातें कर ली, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई. या तो एक काम करूँगी, ये वीडियो मैं रेडी हो के रूम से निकलने तक का इस वीडियो को बना के अपलोड कर दूँगी, तब तक कि आप लोग को एक नोटिफिकेशन सा मिल जाए दैट टुडे इज़ आवर फ्रेशर्स पार्टी, और आप लोग नोटिफाई हो जाओ मेरी वीडियोस देखने के लिए. क्योंकि बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स तैयार किए, तो आप बहुत इंजॉय करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियोस देख के. तो मैं इस वीडियो को ना जब तक मैं ट्राई वॉक के लिए मैं यहीं से रेडी होकर जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखा के तो वहीं तक का इस वीडियो को रखूँगी. और उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो अभी मैं इतना दूर था यार, मैं तुम लोग से बात कर करके यहाँ पहुँच गई, 4 मिनट का वीडियो बन गया. घूर है पागल गाय. Got lots of things. कितनी अच्छा लगता है मुझे तो. दुख दर्द की आपके साथ एक दास्तान शेयर करती हूँ. जब भी कहीं बाहर कुछ लेने जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे सामान, सब्जी, दूध, सूजी वगैरह वगैरह मैं ले आई, तो जब इनको पेमेंट करना होता है ना, सच में बहुत दर्द होता है घर में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है. और जब मैं अपना अकाउंट बैलेंस देखती हूँ, यू नो आई एम लिटरली ब्रोक नाउडेज, लिटरली. व्हाटएवर, हर किसी के लाइफ में अप्स डाउन जाते हैं, यही सोच के हम आगे बढ़ेंगे. और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को अपने प्यार देंगे, जिस कारण मैं इस फेस को फेस कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ. धूप लग रही है आँखों में. मिलते हैं यार, ये बहुत भारी. एक दिखाती हूँ कुछ आप लोग को, ये बहुत कमीना कुछ जो डॉग है ना यहाँ पे, ये बहुत कमीना है. विदाउट कलर का आपको बिल्डिंग दिख रहा है ये हमारा. हमने फिरनी बनाने की कोशिश की थी बट ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन गया. और ये हमारी नमकीन चाय, और ये तबस्सुम फातिमा, गुड मॉर्निंग. खेस खुंखनी किटकेट पिज्जा छर खस्तो के चॉकलेट जोश,
लड़की बहुत बेशरम है। तो ये मेरा रैम वॉक के लिए आउटफिट है, तो यही से पहन के जा रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट इवेंट है फ्रेशर्स पार्टी का। सबसे फर्स्ट में हम रैम वॉक करेंगे, तो रैम वॉक में मैं ये चीज पहनूंगी, ब्लू डेनिम जीन्स विद जैकेट बूफर, और शूज पहने हैं मैंने, ये किसके, H&M के शूज हैं। तो और ये तो अपना जॉर्जेट दुपट्टा है, ऐसे चलोगे ना। मैं निकल गई यहाँ से, इतना हेवी मेकअप मैंने किसी की शादी में भी नहीं करी थी आज तक, बट आई हैव टू डू। आउटफिट रेट करना आउट ऑफ 10, तो इस वीडियो को यही पैन करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को यही पैन करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। खुदा हाफिज़।